हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिनेप्लेक्स। आज हम इस वीडियो में फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी लेट एक्ट्रेस के बारे में दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें ऑलराउंडर कहते थे, जिन्होंने दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में लाजवाब एक्टिंग और बला की खूबसूरती से लोगों के दिलों में कई सालों तक राज किया, जिसे फिल्म में रोल के डिमांड के मुताबिक खुद को स्क्रीन में पूरी तरह से बदल लेने में गजब का टैलेंट था। वो नाम है स्वर्गीय श्री देवी का। यह 1969 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में थुनेवन के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने एक ऐसी फिल्म जर्नी की शुरुआत की जो आगे चलकर विरासत में बदल गई। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत 1979 में सोहलावा सावन नाम की फिल्म से हुआ था। उसके बाद तो श्रीदेवी ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज हम आपको श्रीदेवी की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में दिलचस्प किस्से बताएंगे जिनसे आप अब तक अनजान हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो का सुहाना सा सफर। हाथ छोड़कर तमीज से बात करो, ये हमारा गांव है। बात करते हैं उनकी फिल्म सदमा की, जो कि ईयर 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी को एक भूलने की बीमारी होती है। उस बीमारी से पीड़ित एक लड़की का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया। इस फिल्म को देखते वक्त लोगों की आंखों से आंसू तक निकल गए थे। हर किसी ने श्रीदेवी की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन ये बेहद कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में श्रीदेवी की जगह पहले एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया जाना था। पहले तो डिम्पल ने फिल्म को हाँ कह दिया, मगर जैसे ही शूटिंग शुरू होने वाली थी उन्होंने एकदम से बिना किसी रीजन के फिल्म को करने से इनकार कर दिया और इस तरह श्रीदेवी बनी सेकंड ऑप्शन। फिल्म का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया और ये फिल्म उनकी बेहतरीन फिल्मों के लिस्ट में शामिल हो गयी। अगला नाम आता है उनकी फिल्म नगीना का, जो कि ईयर 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी की एक्टिंग ही थी जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में श्रीदेवी ने नागिन का किरदार इतनी खूबसूरत तरीके से निभाया था कि ज्यादातर लोग इच्छाधारी नागिन होने की बात पर यकीन करने लग गए थे। लोगों को लगने लगा था कि अगर रात के वक्त इस फिल्म का कोई भी गाना बजेगा तो फिल्म की आवाज सुनते ही असल में उनके घर में सांप घुस जाएगा। फिल्म से जुड़े कई और मजेदार किस्से हैं। पहला तो ये कि इस फिल्म को श्रीदेवी से पहले एक्ट्रेस जयाप्रदा को कास्ट किया जाना था, मगर जयाप्रदा को सांपों से बहुत डर लगता था और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर हरमेश मल्होत्रा ने श्रीदेवी को अप्रोच किया। फिल्म की स्टोरी सुनते ही श्रीदेवी ने इस फिल्म को झट से हाँ कह दी। फिल्म में श्रीदेवी ने नागिन की तरह अपनी आंखों को दिखाने के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया, मगर उन दिनों कॉन्टेक्ट लेंसेज की क्वालिटी काफी अच्छी नहीं होती थी, लिहाजा बार बार और ज्यादा वक्त के लिए लेंसेज लगाने की वजह से श्रीदेवी जी की आंखें खराब हो गई थी। मगर उन्होंने जैसी तैसी अपनी शूटिंग पूरी की और बाद में आंखों का इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका चली गई, जहां जाकर उनका सही से इलाज हो पाया। इस तरह जुड़ा श्रीदेवी का एक और किस्सा काफी मशहूर है। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही जहां श्रीदेवी और ऋषि कपूर के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री नजर आती थी, तो जैसे ही शॉट खत्म होता था वहां ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। यहां तक कि एक बार तो सीन शूट करते वक्त रील खत्म हो गई थी। उस दौरान एक घंटे बाद श्रीदेवी ने पहली बार धीमी आवाज में ऋषि कपूर साहब से कहा कि उन्होंने फिल्म खेल खेल में 4 बार देखी है। ये फिल्म ऋषि कपूर की ही थी। इस बात पर ऋषि कपूर मुस्कुराए और कहा कि उन्हें भी श्रीदेवी का डांस बहुत पसंद है। ये देख के पूरी यूनिट हंस पड़ी थी, क्योंकि वो पहला मौका था जब श्रीदेवी और ऋषि साहब एक दूसरे से बात करते देखे गए थे। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि हमारा संबंध बहुत पुराना है। फिल्म मिस्टर इंडिया, ये फिल्म ईयर 1987 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की केमिस्ट्री ने भी फिल्म को हिट करवा दिया।
फिल्म में श्रीदेवी की एक्टिंग के साथ साथ उनका गाना हवा हवाई भी लोगों को बहुत पसंद आया। कहती है मुझको हवा हवाई। फिल्म में श्रीदेवी का कैरेक्टर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का होता है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। फिल्म के लिए श्रीदेवी की मां ने बॉनी कपूर से 10 लाख रुपए की फीस की डिमांड की थी। बॉनी कपूर इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और बॉनी चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में श्रीदेवी ही हीरोइन हो। ये सुनते ही बॉनी कपूर ने तुरंत श्रीदेवी की मां को 11 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि उस वक्त बॉनी कपूर श्रीदेवी से मन ही मन में प्यार करने लग गए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया की कई और दिलचस्प किस्से जानने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। फिल्म चालबाज से भी जुड़ा श्रीदेवी का एक मशहूर किस्सा है। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, जिसमें उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। फिल्म के गाने कहां से आई है ये लड़की की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थी, इसलिए उन्होंने अपने बुखार की कोई परवाह नहीं की और 103 डिग्री में भी अपनी इस शूटिंग को पूरा किया। इस गाने में श्रीदेवी की एक्टिंग और डांस मूव को देख के कहीं से नहीं लगता कि वो इतनी बुखार से तप रही थी, और यही क्वालिटी होती है एक बेस्ट एक्टर की। फिल्म चांदनी जो कि ईयर 1989 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का गाना चांदनी ओ मेरी चांदनी, इस गाने को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला। यश चोपड़ा के इस क्लासिक मूवी में सभी गाने हिट थे और आज भी लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां तो आज भी शादियों में बजाए जाते हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि चांदनी फिल्म में पहली बार श्रीदेवी ने खुद के लिए हिंदी डबिंग की थी। जिस वक्त श्रीदेवी ने बॉलीवुड सिनेमा में अपने कदम रखे थे, उस वक्त उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए उनकी ज्यादातर फिल्में अलग अलग एक्टर से डब करवाई जाती थी, जिसमें से एक रेखा का भी नाम शामिल है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेखा ने भी कई बार श्रीदेवी की कई फिल्मों के लिए डबिंग की है, मगर फिल्म चांदनी में पहली बार श्रीदेवी ने खुद के लिए डबिंग की थी। इस फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। इस फिल्म में श्रीदेवी को बतौर ऑप्शन के रूप में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले चांदनी के लिए एक्ट्रेस रेखा को फाइनल किया गया था, मगर रेखा ने किसी रीजन के चलते फिल्म को करने से इनकार कर दिया और इस तरह मिली श्रीदेवी को एक सुपरहिट फिल्म और दर्शकों को मिली उनकी चांदनी। फिल्म लम्हे, ये फिल्म ईयर 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म में श्रीदेवी ने दो रोल प्ले किए थे। इस फिल्म में मोरनी बागों में गाने में श्रीदेवी के डांस ने उस वक्त लोगों को क्रेजी बना दिया था। उस फिल्म से जुड़ी एक और घटना हम आपको बताते हैं। दरअसल शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने अपने मौत की प्लानिंग कर ली थी। फिल्म में श्रीदेवी के मौत का एक सीन शूट होना था और इसी सीन को शूट करते वक्त श्रीदेवी ने कहा था कि उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी मौत के वक्त हर एक चीज सफेद रंग की हो, और वाकई फ्रेंड्स ऐसा हुआ भी। फिल्म लाडला जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। ये वो फिल्म है जिसमें एक्ट्रेस दिव्या भारती ने आधी फिल्म शूट कर ली थी, मगर अचानक से उनकी मौत होने के बाद इस फिल्म में श्रीदेवी को दोबारा कास्ट किया गया और दोबारा से इस फिल्म की पूरी शूटिंग हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी का ग्रे शेड था, मगर इसके बावजूद लोगों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको उनकी फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्द ही होगी मुलाकात। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे जो नए दर्शक हैं उन्होंने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR Cineplex।